अफगानिस्तान पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबानी नई सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन काबुल तक बिना जंग के पहुंचे तालिबानियों के लिए अब भी एक इलाका मुसीबत बना हुआ है। तालिबान अब तक पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका है। पंजशीर में तालिबान विरोधी लड़ाकों ने मोर्चा संभाल रखा है और वे तालिबानियों को लगातार टक्कर दे रहे हैं। जिस पंजशीर को तालिबान के आतंकी भी जीत नहीं पा रहे, आखिर उस पंजशीर का इतिहास क्या है? पंजशीर में डटकर सामना करने वाले लड़ाके कौन हैं? क्यों तालिबानी पंजशीर में कमजोर नजर आ रहे हैं? यकीन मानिए मित्रों, यह जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, आज आपके लिए लेकर आए हैं पंजशीर का महाभारत से जुड़ा एक ऐसा इतिहास जिससे आज पूरी दुनिया हैरान है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तालिबान को टक्कर देने वाला पंजशीर का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। भारत की पौराणिक कथा में इसका जिक्र होता है। पंजशीर का नाम पहले परवान प्रांत था। इस प्रांत के पास पंचमी नदी भी स्थित थी। पंचमी नदी का इतिहास महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल में पंचमी नदी का जिक्र है। पांडवों से संबंध होने के कारण इसका नाम पंचमी पड़ा, बाद में पंजशीर हो गया। 2013 में एशिया और अफ्रीका की एक स्टडी में यह साबित हुआ था कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले भारतीय पौराणिक कथा महाभारत से गहरा नाता है। महाभारत के इतिहास में गांधार साम्राज्य था, जिस पर हजारों साल पहले सुवाला नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री और कोई नहीं बल्कि गांधार की राजकुमारी थी, जिनका नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। राजा सुबाला की मृत्यु के बाद गांधारी के भाई शकुनी ने राजगद्दी को संभाला। बाद में उसी गांधार साम्राज्य का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बट गया, जिसे आज कांधार के नाम से जाना जाता है। भले ही कांधार कौरवों के ननिहाल से संबंधित है, लेकिन पंजशीर का नाम पांडवों के नाम पर पड़ा। पंजशीर का मतलब है पांच शेर। फारसी लहजे में पांच शेर को पंज शेर कहते हैं। शेर का अर्थ फारसी में सिंह या बब्बर शेर होता है। पांडव भी पांच थे, इसलिए शेर जैसे दिलेर पांच भाइयों के सम्मान में पंजशीर वादी का नाम पड़ा। हालांकि कुछ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित इतिहासकारों ने पंजशीर घाटी को लेकर अलग ही कहानी गढ़ दी। उन इतिहासकारों का कहना था कि 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने इस घाटी पर स्थित एक दुर्गम नदी पर बांध डाला था, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इस कहानी को झूठ बताया। और 2013 में जो स्टडी हुई उसमें यह साफ निकला कि यह स्थान महाभारत कालीन है और इसका संबंध सीधे पांडवों से है। और आज इस तरीके से पंजशीर तालिबान के खिलाफ खड़ा है, यह बात बताता है कि आज भी पंजशीर में महाभारत कालीन शक्ति विद्यमान है। तो मित्रों, आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको यह जानकारी पता थी? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।